लकवे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ऐसे में इसकी जल्दी पहचान और स्ट्रोक रेडी अस्पताल में इलाज बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंट मिस्टर सैयद सादिक, इनको रात में 10:30 बजे लकवे का अटैक आया। इनके एक साइड की बॉडी में पैरालिसिस आ गया और बोलने में कठिनाई होने लगी। ऐसे में ये 3 घंटे के अंदर गीतांजलि हॉस्पिटल, जो कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पर तुरंत कोल्ड स्ट्रोक एक्टिवेट किया गया इमरजेंसी में, कोल्ड स्ट्रोक एट इमरजेंसी आईसीयू, और इनको न्यूरो साइंसेज की टीम द्वारा देखा गया। नाम बताओ आपका, आंखें खोलो, ये उंगली देखो मेरी, ये नजर आ रही है। एमआरआई करने पर ये पाया गया कि इनके दिमाग की मेजर नस में ब्लॉकेज आने से लकवा हुआ है। तो ऐसी दशा में तुरंत इनका थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी द्वारा इलाज किया गया। इलाज के बाद जल्द ही इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और जो रेजिडुअल वीकनेस इनको बच गई थी उसका फिर फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन से कंटिन्यूस इलाज चलता रहा। आज पेशेंट पूर्णतया इंडिपेंडेंट है, अपना सारा काम खुद कर सकते हैं और जल्द ही अपने काम पर लौटने वाले हैं। मेरा नाम सैयद सादिक है। रात को 10:30 बजे करीब मेरा एक हाथ और एक पैर पे बिल्कुल ताकत ख़त्म हो गई थी। घर से गीतांजलि हॉस्पिटल में ले गया। रात को 1:30 बजे करीब मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मैं डॉक्टर विनोद जी मेहता है, उन्होंने मेरे को चेक किया। चेक करने के बाद बताया उन्होंने मेरे को मेरे दिमाग में 2 जगह नसें ब्लॉक हो गई हैं। तो फिर उसके बाद में सीटी स्कैन ये सब चेक कराने के बाद में सीताराम जी डॉक्टर है, उन्होंने मेरे दिमाग की दोनों नसें खोली। उसके बाद जो मेरा पूरा ट्रीटमेंट चला वो विनोद जी मेहता के द्वारा चलता रहा। पर जब ये ट्रीटमेंट मेरा चला, जो मेडिसिन ये जो भी उन्होंने मेरे को सजेशन एक्सरसाइज वगैरह जो मेरे को बताई, मैं उसको बिल्कुल रेगुलर तरीके से करता गया और मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। जो भी ट्रीटमेंट मुझे दिया है अभी तक, जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। हमारे केस में जैसे सैयद सादिक भाई साहब है, इनके आने के तुरंत ही बाद हमने इनको इमरजेंसी में ही आधे घंटे में सब कुछ पता लगा लिया, कौन सी नस दिमाग की ब्लॉक हुई है और इनके घर वालों को सब खतरे और सब समझा के और ये सब तय किया गया कि नस की खोल दी जाए। तो तुरंत ही इनकी नस जो है आधे पौन घंटे में खोल दी गई। उन्हीं की वजह से जो हाथ में पाँव में जो ताकत बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, जो हम बोलते हैं एक आराम से आधी ताकत वापस आ गई, इनके जीवन में तो चमत्कार हो गया। गीतांजलि में आते ही इनको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन। यहाँ के डॉक्टरों नर्सों ने सबने बहुत अच्छा अटेंड किया, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ गीतांजलि में डॉक्टर मेहता, विनोद मेहता साहब का और सीताराम जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल में न्यूरोसाइंसेज विभाग है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट और पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है। इससे हम न्यूरोलॉजी की और न्यूरोसर्जरी की लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इस मरीज में भी लेटेस्ट टेक्निक से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करने पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया है।